मधुबनी विधानसभा क्षेत्र के पडौल के भवानीपुर में शिलान्यास विधायक अपने हाथों से किया सड़क निर्माण के लिए, जहां 1 किलोमीटर से ऊपर की सड़क बननी है जिसमें 93 लाख रुपए की लागत से यह बननी है, जिसे 3 महीने के अंदर सड़क का निर्माण कार्य पूरा करा लेना है। इस सड़क का निर्माण में लगभग सैकड़ों से अधिक घर के आदमी लाभान्वित होंगे। आज़ादी के बाद अब तक इस सड़क का निर्माण में पहली बार पक्कीकरण के रूप में किया जा रहा है। बरसात माह में इस मोहल्ले में व्यक्तियों को चलने में काफ़ी कठिनाई होता है, लोग परेशान हो जाते हैं। ऐसे में इस निर्माण हो जाने से यहाँ के लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा। सुनिए क्या कहते हैं विधायक समीर महासेठ। निर्माण करावे जहाँ 1000-2000 की संख्या में लोग रहते हैं, लेकिन सरकार का एक गलत निर्णय हो रहा है लगातार। हमारा क्षेत्र मधुबनी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ कालीकरण आप करते हैं, निश्चित तौर पे कालीकरण करते हैं। पानी आने जनता को जो अपेक्षा है, एक MLA माध्यम होते हैं, उस माध्यम के आधार पे हम लोग सरकार से हमेशा कहते हैं कि सबसे प्रायोरिटी आप उन सड़कों को दें जो आप पहले से पूर्ववत सड़क है, उसका चौड़ीकरण करें। और जहां पर जनता आज तक आज़ादी और मधुबनी को छोड़ करके दूसरा जिला जोड़ दिए हैं, इसके लिए भी हम क्षोभ प्रकट करते हैं। और अपने लोगों से जो उस मान्यता के रखने वाले हैं, जो जदयू है, जो BJP है, उनसे कहें कि आप लोग वो लड़ाई लड़ें कि आपका जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट और वर्ल्ड बैंक के पैसे से डेवलपमेंट होता था, आपको क्यों निकाल दिया गया, आपको क्यों अछूत माना गया, क्यों आपको किन्हीं ढंग से दर्जन दर्जे का किन्हीं नागरिक। यहाँ की जनता हमेशा खुशहाल रहे, आपका पैसा भी लग जाता है, 1 साल के बाद सड़क भी टूट जाता है। तो वो चीज़ के लिए आप जब तक केयर नहीं करेंगे तब तक ये दिक्कतें आती रहेंगी, और उस दिक्कतों का समाधान आपके माध्यम से हम बोलना चाह रहे हैं। और हर एक पार्टी से ऊपर उठ करके हम कहेंगे कि जो बनावट के हिसाब से हमारे साथ रहे वो तो साथ देंगे ही, जो नहीं देते रहे उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि आप अपने पार्टी से उठ करके सोचें कि पिछले 5 साल में जो मूल्यांकन कर ले, पूरे पंडौल का मूल्यांकन कर ले, कि जिस ढंग से हम लोगों ने हर एक क्षेत्र में काम करने का प्रयास किए हैं, इसके बावजूद भी 25% अभी भी काम बहुत बाकी।